सभी अपने घर पर सुखी और समृद्ध होंगे। मौसम आते जाते रहते हैं, कभी गर्मी का मौसम, कभी बरसात, कभी ठंड का मौसम, और ऐसे में अपनी सब्जियां, स्पेशली हरे पत्तेदार सब्जियों को फ्रेश रखना और गेहूं, चावल, आटा, दाल को कीड़े मकोड़े और फंगस से बचाना बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 11 इम्पोर्टेंट टिप्स। तो मेरे इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए, क्योंकि सारे टिप्स बहुत यूजफुल है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जब भी हम बच्चों के लिए या अपने ऑफिस के लिए एप्पल्स पैक करते हैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम फेस करते हैं कि इसको खोलने के बाद ये काला दिखाई देता है। तो इसको दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें लेमन बहुत अच्छे से रब कर दीजिए एप्पल के सारे स्लाइसेस में। अब इसको एयर टाइट टिफिन बॉक्स में पैक करके आप ले जाइए, ये बिल्कुल काले नहीं पड़ेंगे। भी बनाना हम मार्केट से लाते हैं तो एक ही दिन में ये काले पड़ने लगते हैं। तो अब हम इसके टिप को टिश्यू पेपर से अच्छे से रैप कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हम बनाना को रैप करके रख लेंगे तो आपके बनाना कभी भी काले नहीं पड़ेंगे। 3 से 4 दिन तक आप आराम से यूज कर सकते हैं। जब भी हम मार्केट से धनिया लाते हैं तो इसको स्टोर करना बहुत ही मुश्किल होता है, स्पेशली समर सीजन्स में। तो हमें इसके लिए सबसे पहले इसके जो नीचे के रूट्स हैं वो अलग कर दीजिए, और अब इसको अच्छे से पानी से धो लेते हैं। इसी तरह पालक के भी जो पत्ते हैं उसको भी आप इस तरह से रूट से अलग कर दीजिए और पालक को धो लीजिए। अब 3 से 4 बार धोने के बाद पालक को और धनिया पत्ती को हमने यहाँ पर किचन टॉवल में रख दिया है ताकि बहुत अच्छे से ये ड्राई हो जाए। अब स्टोर करने के पहले हमें ये देखना है कि अगर भी कोई भी पत्तियाँ यहाँ पे काली हो गई हो तो उसको बिल्कुल निकाल दीजिए। एक बार फिर से देख लीजिए कि पत्तियाँ बिल्कुल ड्राई हो जाए, धनिया की भी पुदीने की भी। और इस तरह से आप पुदीने को, पालक को, धनिया, मेथी सब स्टोर कर सकते हैं। अब आप एक एयर टाइट बॉक्स लीजिए, उसमें नीचे मैंने टिश्यू पेपर बिछा दिया है। धनिया पत्ती को एक साइड आप रखिए और बीच में इस तरह से टिश्यू पेपर का पार्टीशन कर दिए, और एक साइड ये पालक की पत्तियाँ, और ऊपर से भी आप इसको अच्छी तरह टिश्यू पेपर से बंद कर दीजिए ताकि बिल्कुल इसमें मॉइस्चर ना रहे। और अब आप इसको फ्रिज में रख दीजिए और इसको आप करीब 5 से 6 दिन तक यूज़ कर सकते हैं, आपकी पत्तियाँ बिल्कुल फ्रेश रहेंगी। अब हमारे घर में हमेशा हरी मिर्च का यूज़ किया जाता है और इसको लाते ही 1-2 दिन में ये सड़ने लगती है। इसको स्टोर करने के लिए हम जो इसके स्टेम्स हैं ये निकाल देंगे। अब आप एक एयर टाइट बॉक्स लीजिए और उसमें आप नीचे टिश्यू पेपर रखिए, उसके ऊपर हम रखेंगे ये मिर्चियाँ, और इसको आप अच्छी तरीके से टिश्यू पेपर से ढक दीजिए ताकि बिल्कुल मॉइस्चर ना आए। इससे आपकी मिर्चियाँ 1 हफ्ते तक बिल्कुल फ्रेश रहेंगी, और आप दोबारा भी ये सेम टिश्यू पेपर यूज़ करके अपनी मिर्चियों को फ्रेश रख सकते हैं। अब जब भी हम बाज़ार से गोभी लाते हैं, इसको बनाने के लिए, इसके कीड़े निकालने के लिए हम इसको बॉईल कर देते हैं, जिसके बाद हमारी जो गोभी है वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है। तो आज हम करेंगे एक दूसरा तरीका। अपने गोभी को अच्छी तरह 3 से 4 बार वॉश करने के बाद इसको पानी में डालिए। इसमें आप डालिए 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच विनेगर, इसको अच्छे से मिला दीजिए। इस तरह से आप करीब 1/2 घंटे के लिए गोभी को रखिए, उसके बाद आप फ्रिज में एयर टाइट जार में आप सेव कर सकते हैं कई दिनों तक, या फिर आप पानी से धोकर इसको बना लीजिए। हमारी गोभी बहुत ही क्रंची
और बहुत ही टेस्टी बनेगी। अक्सर बरसात में मक्खियाँ और गर्मियों में चींटियाँ आपके किचन में टॉप में घूमती रहती हैं, तो इसको दूर करने के लिए यहाँ पर हमने लिया है कपूर, और कपूर में हम मिक्स करेंगे पानी। इसमें कपूर अच्छी तरह आपका घुल जाएगा। अब आप किचन का टॉवल लेकर अच्छे से इसको गीला करिए और फिर अपने किचन की जितनी भी सरफेस है उसको अच्छे से पोंछ दीजिए, जिससे मक्खी और मच्छर बिल्कुल नहीं आएंगे, इंसेक्ट्स भी दूर रहेंगे, आपका टॉप भी हमेशा क्लीन रहेगा। जब हम बाजार से नींबू लाते हैं, हमें खट्टा बहुत सारा लाते हैं, और फ्रिज में रखने के बाद 3 से 4 दिन में ही ऐसे नींबू दिखने लग जाते हैं। तो आइए इसको हम स्टोर करना देखते हैं। एक आप एयर टाइट बॉक्स लीजिए और नींबू को या तो टिश्यू पेपर में, नहीं तो न्यूज़पेपर में अच्छे से रैप करके, और फिर आप इसको फ्रिज में रखिए, तो आपके करीब 1 हफ्ते तक नींबू बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे, जैसा आपने ख़रीदा है वैसे ही रहेंगे। स्टोर करने के लिए हम यहाँ पर पहले इसको ड्राई रोस्ट कर देंगे। सिर्फ 2 मिनट के लिए हमें इसको ड्राई रोस्ट करना है। आप चाहें तो धूप में भी इसको रख सकते हैं 1-2 घंटे के लिए। रोस्ट होने के बाद दाल को अपने स्टोरेज कंटेनर में निकाल लीजिए। अब हम इसमें डालेंगे नीम की पत्तियाँ। नीम की पत्तियाँ मेडिसिनल होती हैं और किसी भी तरह के इंसेक्ट, बैक्टीरिया और फंगस को आने नहीं देती। तो आप अपनी दालों को सालों तक इस तरह से स्टोर कर सकते हैं, इसमें कोई भी कीड़े नहीं आएंगे। चावल को स्टोर करने के लिए इस तरह से धीरे नीचे अंदर इसको पत्तियों को डाल दीजिए, नीम की पत्तियों को, और कुछ तोड़कर इसके ऊपर डाल दीजिए। किसी भी तरह के कीड़ा, चींटियाँ, फंगस इसके अंदर नहीं आएगा। अच्छे से मिला के रखिए और आप इस तरह से सालों साल इसको स्टोर कर सकते हैं। नीम की पत्तियों को चावल और दाल में डालने के पहले नीम की पत्तियों को अच्छे से वॉश कर लीजिए, धूप में सुखा लीजिए ताकि इसका मॉइस्चर बिल्कुल चला जाए। उसके बाद आप चावल और दाल में इसको अच्छी तरह डाल दीजिए। सूजी को भी आप 2 से 3 मिनट के लिए धीमी आंच पर अच्छे से भून लीजिए। सूजी के ठंडा हो जाने के बाद आप इसको अपने स्टोरेज कंटेनर में स्टील के या प्लास्टिक के में स्टोर कर लीजिए। एक तो आपका किचन में टाइम बचेगा क्योंकि हमारी सूजी पहले ही रोस्ट हो गई है, और दूसरा इसमें कीड़े भी नहीं पड़ेंगे। ड्राई फ्रूट्स को स्टोर करने का एक बहुत ही आसान तरीका है, काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं। ड्राई फ्रूट्स को आप एयर टाइट बॉक्स में डालकर आप इसको फ्रीज में रखिए, जिससे आपके जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो हमेशा फ्रेश रहेंगे और कभी भी सॉगी नहीं होंगे। तो देखा दोस्तों, छोटे छोटे टिप्स फॉलो करके हम अपना किचन टाइम और मनी सेव कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बाय बाय फॉर नाउ, मिलते हैं कुछ नया लेकर अपने अगले वीडियो में।